गाइस वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज मैं रेडी हो गई हूँ। टाइम हो गया, लगभग 12 बज गए हैं। तो मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल अपना 3 मंथ वाला चेकअप कराने। तो आपको मिलूँगी अभी कुछ ही टाइम में। मेरी आना भी इधर रेडी हो गई है। आना आना अपने दुपट्टा सेट कर रही है। तो मैंने वेयर की है साड़ी। और आज का मौसम बहुत अच्छा है, धूप वगैरह निकली हुई है। हाँ ठीक है। तो गाइस मैंने जो ब्लॉग के लिए थोड़ी बहुत क्लिप ली थी नाश्ते की और ब्रेकफास्ट की, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं चाय बना रही थी और मैं लंच और ब्रेकफास्ट के लिए बना रही थी तहरी, क्योंकि मेरी नानिया का मन था राइस खाने का, तो मैंने तहरी वगैरह बनाई हुई थी। तो वही मेरी इवनिंग तक चल गई थी और उसके बाद मैंने खाना शाम को ही बनाया था नाइट में। अच्छे है ना? बस इन्हीं लिए नाइट तक का ब्लॉग नहीं है, बस इवनिंग तक का ये ब्लॉग है। उसके बाद मैं जाती हूँ जैसे डॉक्टरनी के पास, वो एडवाइस वगैरह क्या बताती हैं डॉक्टरनी, क्या कहती हैं उसके बारे में मैं अभी आपके साथ लाइव बैठ के बात करूंगी। आप खाओ ना, तो बने रहना है वीडियो को, प्लीज फुल वॉच करिएगा वीडियो, अच्छा लगे प्लीज लाइक जरूर करिएगा। कैसा है? अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा। तो गाइस हॉस्पिटल जाने से पहले मुझे लगी थी भूख, तो मैंने बनाया हुआ आज खाने में नाश्ते में ये बनाया तहरी और मेरा रखा है कल वाला रायता, उसके साथ मैं खाने वाली हूँ तहरी। अनन्या क्योंकि रायते या दही के साथ तहरी खाने का मजा ही अलग है। आलू हारू तहरी हारू मेरे पे आए, ये मम्मा पिना देगी ना, मम्मा ही पिना देगी। तो गाइस इधर मैं जा रही थी हॉस्पिटल, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोल दिया था, मेरा फुल लुक साड़ी का तो बना दिया है उन्होंने। तो और यहाँ पर मैं हॉस्पिटल में बैठी हुई हूँ क्योंकि मेरा बीपी और वेट वगैरह सब हो गया। नंबर भी लगा हुआ था, 18 नंबर था मेरा, तो उसमें टाइम था आने में। तो गाइस हॉस्पिटल से मैं जब घर आ गई थी उसके बाद मैंने वीडियो शूट नहीं किया हुआ था, तो नेक्स्ट डे वीडियो शूट कर रही हूँ। अभी टाइम है लगभग 12 बजे हैं, तो मेरे पास आधा घंटा है वीडियो शूट करने का और एडिट भी करने का। तो गाइस मैं बात करूँगी डॉक्टर ने क्या बोला है मुझे। जैसे कि डॉक्टर बोल रही थी मैंने जो चेकअप वगैरह कराया ना 3 मंथ में, तो उन्होंने मुझे एक अल्ट्रासाउंड के लिए लेवल 1 शायद होता है, शायद आप लोगों को पता होगा जो बहुत लंबा सा अल्ट्रासाउंड होता है, उसके लिए बोला हुआ है। और दूसरी चीज़ मेरे ब्लड टेस्ट भी दोबारा से हो रहे हैं क्योंकि पहले वाले ब्लड टेस्ट में ब्लड कम आया हुआ था मेरा, और दूसरी चीज़ यूरिन इन्फेक्शन भी था, तो दोबारा से वही रिपीट चेकअप वगैरह होने हैं। और अल्ट्रासाउंड मतलब एक बच्चों में ज़्यादातर आजकल बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है, माइंड में कुछ नशे वगैरह कुछ डेवलप नहीं हो पाती, पता नहीं क्या ऐसी डॉक्टर ने बोल रही थी कुछ। तो वो 3 मंथ में बेबी का मतलब कैसे क्या ग्रोथ हो रही है वो सब कुछ पता चल जाता है, काफ़ी बड़ा अल्ट्रासाउंड होता है। तो मुझे उसके लिए अपॉइंटमेंट मैंने ले ली है और टाइम बुलाया डॉक्टर ने 7 वीक में, 7 वीक नहीं सॉरी 1 हफ्ता 7 दिन का टाइम दिया हुआ है। तो यही बोला है डॉक्टर ने कि एडवाइस वगैरह यही थी एडवाइस, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। अगर आपके भी हुए हैं अल्ट्रासाउंड तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं बात करूँगी आगे, मैं आपके साथ अपनी जर्नी वगैरह शेयर करती रहूँगी। अभी मेरा टमी वगैरह नहीं दिखता है क्योंकि अभी ज़्यादा हुआ भी नहीं है, और जैसे ही आगे ग्रोथ होगी वो सब आपके साथ शेयर करती रहूँगी, ठीक है। और अभी मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो गाइस अभी मैं वीडियो शूट कर रही थी, स्कूटी पर बैठी हुई थी धूप में, तो मैं सोचा बाहर ही धूप में ही मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ थोड़ा सा। और मिलूंगी अभी कुछ ही टाइम में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, छोटा सा वीडियो था ब्लॉग, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को भी पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और
मिलूंगी बहुत जल्दी आपके साथ ये वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।